अब बात सिंगरौली की, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने दो दिन यानी शनिवार और रविवार को पूर्णतया लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहा है। सिंगरौली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते से आमजन के साथ ही जिला प्रशासन भी चिंतित है। जिला प्रशासन द्वारा दो दिन शनिवार व रविवार को जिले में पूर्णतः लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है। जिले में कोरोना जागरूकता रैली शुरू की गई है, जिसमें कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, नगर निगम कमिश्नर आरपी सिंह सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में कोरोना से बचने के गाने बजाए जा रहे थे। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।